अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पावर ऑफ पाकिस्तान। मैं हूं तहसीन। दोस्तों, आज की वीडियो चाइना के J20 और इंडियन Su-30mki के बारे में है। इंडियन ने पिछले दिनों दावा किया था कि इंडियन Su-30 ने जो है वो चाइनीज J20 को जो है ना वो एक स्टेल्थ फाइटर प्लेन को उन्होंने डिटेक्ट कर लिया है। तो आज इसी बारे में बात होगी कि क्या वाकई ही जो है चाइना के J20 को इंडियन प्यारे ने डिटेक्ट कर लिया है, क्या वो इतना काबिल है, क्या उसकी इतनी कैपेसिटी है, क्या वो J20 को जो है ना डिटेक्ट कर सकता है, या J20 एक स्टेल्थ प्यारा नहीं है। ठीक है, इंडियंस का ये दावा था कि J20 कोई स्टेल्थ प्यारा नहीं है, एक हमारे Su-30mki ने उसे डिटेक्ट किया और उनके जो एयर चीफ है उन्होंने कहा था कि हमारे पुराने Su-30mki ने जो है ना उसे डिटेक्ट किया है, नए त्यारे ने उसे डिटेक्ट नहीं किया, नए मतलब जो अपग्रेड होने जा रहे हैं अभी वो अपग्रेड नहीं हुए जिन्होंने उसे डिटेक्ट करना है। तो इस दावे के बाद जो है ना ऐसा लगता था कि जैसे J20 जो है वो एक स्टेल्थ त्यारा नहीं है और J20 जो है ना अपनी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर रहा। तो क्या ऐसा वाकई ही में है या जो इंडियंस हैं वो अपना इशू जैसे कि उनकी एक आदत है, एक प्रोपेगेंडा करते हैं तो वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो मैं ज़रा कुछ आप लोगों को जो है ना अदाद शुमार के मुताबिक बताऊंगा, ठीक है, आपको कुछ अदाद शुमार दिखाऊंगा, उसके मुताबिक जो है ना हम बात करेंगे। मैं आप लोगों को पहले उनकी जो है ना स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ कि भाई कौन कितना काबिल है, उसके बाद मैं आप लोगों को जो है ना कुछ महीने पहले का J20 की कुछ परफॉर्मेंस दिखाऊंगा जो उसने जो है ना कारनामा किया था, ठीक है, और मीडिया में बड़ा हाईलाइट्स हुआ और माहिरीन जो उसके बारे में बोलते थे वो सब चुप हो गए। तो अब इंडिया ने जो सोशा छोड़ा वो भी उसी का जवाब दूंगा। तो स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। स्पेसिफिकेशन के लिहाज से भी J20 जो है वो चाइनी जो इंडियन MKI है सॉरी उससे कहीं बेहतर है, बल्कि एक फिफ्थ जनरेशन त्यारा है और आप उसको उसकी जो मैनेवरेबिलिटी है और जो उसकी स्टेल्थ खसूसियत हैं वो Su-30mki कभी भी उसको जो है ना डिटेक्ट नहीं कर सकता आप, और उसके साथ फाइट करना तो एक मतलब है कि दूर की बात है। उसका मार्क 2 की स्पीड है, इसकी 2.8 की मार्क की स्पीड है। आप ये देखें इसका पेलोड कितना है, उसका पेलोड कितना है, इसका कम्बैट रेशो कितना है, उसका कम्बैट रेशो क्या है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, अब जब इतना फ़र्क है उसके बाद जो है ना आप देखें Su-30mki का आपको स्पेसिफिकेशन सामने आपके हैं, तो ये देखें ये स्पेसिफिकेशंस देखें, इसके बाद आप खुद बताएं कि भाई कैसे J20 को ये जो त्यारा जो डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसका पेलोड, इसके जो मैक्स स्पीड है वो देखें आप, इसकी मार्क स्पीड जो है वो मार्क 2 है ओनली। ठीक है, इसकी हाई स्पीड जो है वो मार्क 2 है, इसकी जो लो एटीट्यूड है वो 1.0 है, इसका जो टेक ऑफ वेट है वो 38,000 है। अच्छा, उसके अलावा जो है इसका थर्स्ट वेट देखें आप 0.0 कुछ है और वो जो है ना उसका जो है ना 1 पॉइंट से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इस लिहाज से हर चीज़ में जो है ना आप इसकी फायरिंग रेंज देख लें, उसकी देख लें, इसकी सर्विस किलिंग देख लें, उसकी देख लें, मतलब हर चीज़ में J20 जो है इससे बेहतर है। अच्छा, अब आ जाती है सबसे अहम बात जो आती है, वो आती है एवियोनिक्स पे। एवियोनिक्स के लिहाज से अब जो उन्होंने कहा ना डिटेक्ट किया Su-30mki ने जो है ना उसे डिटेक्ट कर लिया है, तो वह मैं आपको लोगों आप लोगों को आगे जो है ना उसका रडार भी दिखाऊंगा कि भाई Su-30mki का रडार जो है वो क्या वाकई J20 को डिटेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, और इसके अलावा जो है J20 का जो रडार है वो कौन सा है, ठीक है, उसकी रेंज क्या है, तो ये चीज़ें भी आपको आगे दिखाता हूँ। मैं चाहता था कि आप पहले इसकी स्पेसिफिकेशन देख लें, इसका विंग्स एरिया देखें, इसकी मैनेवरेबिलिटी देखें। आप लोगों को के साथ मैं एक वीडियो शेयर करूंगा
वो आप लोग देखिएगा उसकी जो मूवेबिलिटी है ना वो कितनी जबरदस्त है। मतलब उसकी J20 जो है ना उसकी मूवेबिलिटी और Su-30mki है कि अच्छी मूवेबिलिटी है, एक अच्छा हथियार है, लेकिन वो J20 के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकता, डॉग फाइट तो नहीं कर सकता। क्योंकि J20 की पहले उसकी स्पीड जो थी J20 की कम थी, क्योंकि पुराने जो पहले इंजन J20 में स्टार्टअप पे लगाए गए थे वो 1.8 मार्क की स्पीड दे रहे थे, जिस पे उसकी मूवेबिलिटी अच्छी नहीं थी। इस टाइम J20 की जो मूवेबिलिटी है वो 2.8 पे उसकी स्पीड है, तो उसकी मूवेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, किसी भी जहाज की स्पीड के हिसाब से उसकी मूवेबिलिटी में बहुत ज़्यादा बेहतरी आती है। वो एक उस अच्छा डॉग फाइटर साबित होता है जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती है। तो इस लिहाज से जो है ना J20 कहीं ज़्यादा बेहतर है Su-30mki से। ठीक है, तो अब जो असल सवाल था वो है रडार सिस्टम पे, कि इनका जो रडार है वो क्या वाकई ही J20 को डिटेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो आए इन J20 का रडार और उसका रडार देखते हैं। ये आपके सामने जो है ना Su-30mki का रडार है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि ये रडार जो है वो फोर्थ जनरेशन रडार है। ठीक है, और ये रडार किसी भी सूरत में Su-30mki को डिटेक्ट नहीं कर सकता, ना तो इसकी रेंज है इतनी। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये रडार बहुत इजीली जाम हो सकता है। ये बिल्कुल सिंपल रडार है फोर्थ जनरेशन, और इसके जो है ना क्या नाम कहते हैं फ्रिक्वेंसी भी इतनी हाई नहीं है कि ये एक फिफ्थ जनरेशन जहाज को जो है डिटेक्ट कर सके। ये रडार सिंपल रडार है। तो ये देख आप इसकी स्पेसिफिकेशंस देखें, इसकी रेंज जो है ये सिर्फ 120 किलोमीटर इसकी रेंज है इसकी। ठीक है, उसके अलावा जो इसका जो है स्केयर रूट है ये 5 के हिसाब से है, जबकि उसका स्केयर रूट जो है वो 1 के हिसाब से जा रहा है। ठीक है, वो इतना बारीकी से देख सकता है। ये सिर्फ हाई एटीट्यूड जो है ना को डिटेक्ट कर सकता है। तो आप देखें कि जो J20 है उसका जो रडार है वो ASA रडार है। अब आप खुद बताएं कि क्या एक सिंपल रडार जो फोर्थ जनरेशन या थर्ड जनरेशन रडार है, थर्ड जनरेशन तो नहीं इसमें फोर्थ जनरेशन रडार है, ये फोर्थ जनरेशन रडार जो है ये और वो फिफ्थ जनरेशन ASA रडार जो है वो एक स्टेल्थ रडार है। ठीक है, वो एक स्टेल्थ जहाज है वो, और फिफ्थ जनरेशन रडार है ASA रडार को डिटेक्ट किया जा सकता है इतनी जल्दी, और ना उसको जैम किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसको जैम नहीं किया जा सकता, जबकि Su-30mki के रडार्स को तो इजीली जाम किया जा सकता है। ठीक है, ये F-22 रैप्टर के बराबर का जो है ना इसके अंदर लगा हुआ है रडार लगा हुआ है। KLJ-5 जो है रडार जो है वो F-22 रैप्टर के जो में जो रडार यूज हो रहा है उसके तकरीबन हम पला रडार है। उसकी रेंज में थोड़ा सा फर्क है काबिलियत के लिहाज से जो है वो बिल्कुल, क्योंकि इसकी जो रेंज है इन्होंने अभी तक बताई नहीं है। इसकी जो KLJ-5 की जो रेंज है वो इन्होंने नहीं बता रहे J20 वाले ना, उसकी मतलब रेंज प्रॉपरली उन्होंने छुपाए, वो उसको बता नहीं रहे, उसको शो ऑफ नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना इसकी जो रेंज है वो 200 के लगभग की ही माहिरीन के नज़र में है कि 200 के लगभग है, जबकि F-22 रैप्टर जो है वो 240, 230, 240 की रेंज दे रहा है। और इसके जो क्योंकि जो KLJ-7 है जो इसका पुराना वर्जन है वो 120 से 130, 140 की रेंज का जहाज वो है, और KLJ-A जो है जो ASA रडार है KLJ-7A जो ASA रडार है वो 150 से 180 की रेंज है उसकी। तो KLJ-5 जो है वो इससे अपग्रेड है जो J20 में लगा हुआ है, इससे अच्छा रडार है। उसकी रेंज जो माहिरीन के मुताबिक जो है वो 200 किलोमीटर की रेंज है उसकी। अब आप खुद बताएं 200 की रेंज वाला, 200 किलोमीटर की रेंज वाला जिस और जो मल्टीपल टारगेट्स को अचीव करता है, जिसकी जो कम से कम जो है वो
अपने 50 टारगेट्स को जो है ना एक साथ डिटेक्ट कर लेता है, देख लेता है। उसके अलावा जो है ना वो तकरीबन 15 से 20 टारगेट्स को एक साथ अटैक कर सकता है उन पे, ठीक है, टारगेट कर सकता है। जबकि इस जा ये टोटल 15 को डिटेक्ट करता है और 5 को टारगेट कर सकता है। इसकी इसको जैम किया जा इसकी सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि इस रडार को इजीली जाम किया जा सकता है, और ऐसी रडार की फ्रिक्वेंसी इतनी तेज होती है कि उसको जाम नहीं किया जा सकता, और वो बहुत तेजी से जंप कर जाता है। उसकी सबसे बड़ी बात, उसको डिटेक्ट इसलिए नहीं कर सकता। ये देखें, इसके अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया, ये वीडियोज में आप देखें जंपिंग क्या पूरा एक टॉपिक है। इसके सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत इजीली जो है ना जंप कर जाता है, तो इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता तो आप कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई वो J20 जो है ना वो Su-30mki जो है ना वो ने उसे डिटेक्ट के लिए, वो भी फोर्थ जनरेशन रडार की मदद से, जो है ना नया रडार भी नहीं है ना उसके अंदर ऐसे रडार है ना कोई चीज़ है। फिर भी तो दोस्तों आपके सामने ये एक वेबसाइट है एशियन टाइम, ये बहुत ही मुस्तैद और बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है। ये चाइना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक जो है अब एक क्या नाम कहते हैं एक दावा किया था, जिसपे एक पूरा इन्होंने नावल लिखा है। और चाइना ने क्या दावा किया था और माहरीन उसके मुताबिक क्या कहते हैं, और उसके बाद क्या साउथ कोरिया ने या किसी ने उस पर कोई बात की। दावा ये किया था कि साउथ कोरिया की जो एयरफील्ड है उसमें J-20 गए और बिना डिटेक्ट हुए वापस आए, ठीक है। और ये 2017 की बात है, जब जो चाइनीज ने अपने एक मिशन के तहत, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग हो रही दोनों साइडों पे, इधर चाइनीज की भी ट्रेनिंग मिशन से और उधर यूनाइटेड स्टेट और उसके बाद साउथ कोरिया के जो है ना एक ट्रेनिंग मिशन ट्रेनिंग जारी थी। तो उस वक्त J-20 जो है वो साउथ कोरियन एयरफील्ड्स में गया है, वहाँ पे अमेरिकन रडार मौजूद थे, ठीक है, अमेरिकन शिप्स मौजूद थी। उसके बाद जो है साउथ कोरियन रडार, ठीक है, साउथ कोरिया के जो पास भी वो अमेरिकन रडार हैं वो मौजूद थे, और उन सब के बावजूद साउथ कोरिया जो है वो बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर सका। उसकी इंटेलिजेंस, उसके रडार, सब कुछ बेकार हुए। J-20 गया बहुत आसानी से वापस आ गया, ये उनका दावा था। फिर उसके बाद जो है माहरीन तो मुकम्मल खामोश हो गए, क्योंकि J-20 पे जो बोल रहे थे कि इसमें ये नुकसान है ये नुकसान है वो सब खत्म हो गए। और उसके बाद साउथ कोरिया ने भी अभी तक जो है ना 6 महीने गुजर गए हैं, कोई उसने जो है उस पर रिप्लाई नहीं किया कि ये कोई गलत दावा है ये वो। उसके बाद माहरीन ये कहते हैं कि अगर ये दावा ठीक है तो फिर जो है ना यूनाइटेड स्टेट भी फेल हो गया, पेंटागन फेल, क्योंकि उसके रडार्स बिल्कुल भी J-20 को जो है ना वो डिटेक्ट नहीं कर पाए। साउथ कोरियंस भी फेल हो गए कि उनके रडार्स जो है वो सोए रहे कि J-20 गए और वापस आ गए। फिर चाइनीज कहते हैं कि हम साउथ चाइना सी से जो है ना वो ये जहाज जो है वो दो जहाज जो है वो ग्रुप की शक्ल में गए हैं, ठीक है, और वो लो एटीट्यूड पे फ्लाई करते हुए वो साउथ चाइना सी से होते हुए साउथ चाइना सी से वो जो है ना येलो सी में दाखिल हुए हैं। और उसके बाद वो क्या नाम कहते हैं उसी तरह साउथ कोरियन फील्ड्स में जाके तमाम रडारों को फेस करते हुए वो वहां से इजीली बिना डिटेक्ट हुए जो है ना वापस अपने एयरबेस पे आए हैं। इसके बाद जो है ना वो अब माहरीन जो है ये कह रहे हैं कि J-20 जो है ना अगर वाकई ही ये सच है तो J-20 एक बेहतरीन जो है वो एक स्टेल्थ फाइटर है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, अगर साउथ कोरियन रडार्स यूएसए के रडार्स, यूनाइटेड स्टेट के रडार्स, ये सारे जो है पेंटागन ये उसे डिटेक्ट नहीं कर पाए, इतने बड़ी जो है ना उनकी एक्सरसाइज हो रही थी उस एयरफील्ड के ऊपर से वो गुजर के आ गए हैं उनकी, और इंडियन बड़े आसानी से कह देते हैं कि वो J-20 को जो है ना उन्होंने डिटेक्ट कर लिया है। तो भाई उसका कोई सबूत है आप लोगों के पास कि भाई उसे डिटेक्ट कर लिया एक फोर्थ जनरेशन के जहाज ने? एक ASC रडार को भी मात दे दी, एक फिफ्थ जनरेशन जहाज को भी मात। तो मैं अपने जो व्यूवर्स हैं उनसे यही कहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना इंडिया का एक प्रोपोगंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। J-20 बहुत बेहतरीन जहाज है और एक बेहतरीन स्टेल्थ फाइटर है, और J-20 जो है ना अपना जब इंजन अपग्रेड करेगा WS-15 उसमें लगाएगा तो वो पहले से भी ज़्यादा हाई स्पीड पे होगा और बहुत ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म करेगा।
आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना मत भूलें। नए व्यूवर्स प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए जो नई वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों को मिलें, ठीक है। मैं बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स पे और जो बहुत जो कंफ्यूजिंग है और उस पर आपको जो है ना बहुत अच्छी वीडियोज़ और नॉलेज दूंगा कि इसका असल मतलब क्या है, असल जो चीज़ है वो आपके सामने लेके आने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जो भी जितनी भी जो न्यूज़ वगैरह आती हैं उनका सही पहलू क्या वो आपके सामने लाऊंगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।